क्या आप भी अपने टॉयलेट या बाथरूम की रिपेयर करना चाहते हो और रिपेयर करने से पहले ये सोच रहे हो कि कहीं मैंने रिपेयर कर दिया तो परेशानी आ सकती है? दूसरी तरफ क्या आपकी माता को बहुत ज़्यादा संकट या परेशानियां रहती हैं, या फिर आपकी मानसिक स्थिति मुरझाई सी रहती है? किसी ना किसी प्रकार का कोई अनजाना डर या भय आपको बना रहता है। कोई मकान बनाना चाहते हो पर किसी ना किसी कारण से उसमें रुकावट आ जाती है, या आपको मकान बनाने के लिए सभी सहूलियतें मिल चुकी हैं पर आप इस बात से डर रहे हो कहीं पर कोई परेशानी तो नहीं आ जाएगी। इन्हीं सभी के आज मैं आपको उपाय देने वाला हूँ। तो दोस्तों, जब भी हम कोई हमारा घर है, हम कोई रेनोवेशन या किसी तरह से अपने टॉयलेट की कोई तोड़फोड़ करते हैं, तो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं वो एक टॉयलेट का तोड़ना या रिपेयर करना किसी तरह की परेशानियों को लेकर आ जाता है, क्योंकि टॉयलेट को देखा जाता है राहु से। और जब भी राहु डिस्टर्ब हो कुंडली में, तब ये कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों के ज़रिए हमारे जीवन में परेशानियाँ लेकर आते हैं। तभी कहा जाता है कि अगर राहु आपके फोर्थ हाउस यानी कि चौथे भाव में है, तब आपको कोई भी मकान बिना छत का नहीं डालना है। अब कई लोग क्या करते हैं, चार दीवारी खड़ी कर छोड़ देते हैं, या फिर कोई पुराना मकान तोड़कर उस पर नई कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, या फिर कोई एक हिस्सा तोड़कर, कोई है कि दीवारें तोड़ दी या कुछ छत को तोड़ दिया, छत खराब हो गई थी, छत रिपेयर की, तो कहीं ना कहीं ये छतों से संबंध रखता है राहु। और दूसरी तरफ माँ के जीवन में रहे कष्ट, अनजाने बेमतलब के शुरू से ही आपने माँ को अपने कष्टों में देखा। आपके माँ के कष्ट चाहे वो मानसिक रूप से हो चाहे शारीरिक रूप से हो, कुछ ना कुछ राहु का संबंध आपके माता के जीवन पर आता है। और इसके साथ साथ एक उपाय आपने अक्सर सुना होगा जिसे कहते हैं कि धनिया, साबुत धनिया लेकर आप मंदिर में देकर आ जाओ। ये क्यों किया जाता है? अब इन सब की कड़ियाँ मैं आपके साथ जोड़कर आपको एक बिल्कुल बेहतरीन राहु के कुछ उपाय बताने वाला हूँ, जो आपके जीवन में इस तरह से आपके जीवन को प्रभावित करते हैं कि आप ना तो मकान बना पाओ, ना अपनी सेहत, अपने कॉन्फिडेंस को एंजॉय कर पाओ, ना ही आपकी माता का सेहत सही रहे, कुछ ना कुछ ये परेशानियाँ आपके जीवन में आती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझ लें राहु और शनि के बारे में। अगर शनि कोई किसी के जीवन में कोई परेशानी देना चाहते हैं तो वो देंगे राहु और केतु के ज़रिए। अब शनि डायरेक्ट अपनी दशा में आकर परेशानी दे सकते हैं, या फिर उनका टेन्योर आपके जीवन में सही चल रहा है, बिल्कुल कुंडली के अनुसार या फिर जो दशा को देखें उनके अनुसार सही चल रहा है, पर कहीं ना कहीं आपके जीवन में छुपी छुपाई सी परेशानियां आ रही हैं। वो परेशानियां सब अचानक हो, चाहे वो एक्सीडेंट हो, कोर्ट कचहरी हो, बीमारी हो, कुछ भी हो, ये सब कहीं ना कहीं शनि के ज़रिए राहु के हुक्म और आदेश पर ये सब कुछ होता है। और ये तब होता है जब आपकी कुंडली में शनि और राहु डिस्टर्ब हों। अब डिस्टर्बेंस वर्षफल में भी आ जाती है और परमानेंट कुंडली में भी होती है। मान लीजिए आपकी कुंडली में राहु फोर्थ हाउस में बैठे हुए हैं। अब ये फोर्थ हाउस के चौथे भाव के जो राहु होंगे, इंसान की मानसिक स्थिति डिस्टर्ब करेंगे, इंसान के अंदर कोई एक अनजाना डर, भय या चिंता को कहीं ना कहीं जागृत करेंगे। उसकी माता का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। माता के जीवन में अगर कुंडली में ही राहु बैठे हुए हैं चौथे भाव में, तो माता का जीवन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहेगा। और दूसरी तरफ करियर की बात करें तो व्यक्ति अपने काम काज को तो एंजॉय कर ही नहीं पाता है, कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज लगे रहते हैं जिसके कारण या तो बार बार बदलाव होते हैं उसके काम काज में, या फिर वो व्यक्ति अपने काम काज में इंटरेस्टेड नहीं रहता है, कुछ एक टेस्टलेसनेस उसकी जीवन में हमेशा काम काजी बनी रहती है। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लें धनिया क्या है। देखिए, राहु की कुछ कारक चीज़ें मानी गई हैं, जिसमें धनिया है, जौ जिसे हम बार्ले कहते हैं, और सिक्का धातु है, और सरसों है, और इसके साथ साथ एक नारियल भी आता है। अब ये क्योंकि देखिए शनि और राहु का संबंध एक साथ है, अगर हम नारियल को देखें तो नारियल में ही आपको शुक्र मिलेंगे, नारियल में ही आपको शनि मिलेंगे, नारियल में ही आपको इस तरह से राहु के एक आवृत्ति मिलेगी। तो इस तरह से ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं ग्रहों के कॉम्बिनेशन को दर्शाती है।
अब जब भी हम कुछ राहु के फोर्थ हाउस यानी कि चौथे भाव के उपाय के बारे में बात करते हैं, तब यहाँ पर एक सीधा सा उपाय निकल कर आता है जो कि साबुत खड़ा मसाले वाला धनिया। इस तरह से जैसे आप फोटो में देख रहे हो, ये खड़ा मसाले वाला धनिया जो हम अक्सर घर में इस्तेमाल करते हैं, ऐसा धनिया 400 ग्राम धनिया लेकर आपको जल परवाह करना है। अब जल परवाह कैसे करना है? 400 ग्राम धनिया लीजिए, बाहर के बाहर ही खरीदिए, या घर में रखा है तो घर से ले जाइए, पर वजन करना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए बाहर से बाहर ही खरीदिए, वजन से तौलवाइए और ले जाकर जल प्रवाह कर कर आ जाइए। अब कई लोग कहेंगे हमारे यहाँ जल प्रवाह की सुविधा नहीं है। तो जल प्रवाह की अगर सुविधा नहीं है तो सीधा सा तरीका है कि आप मंदिर में जाइए और इस धनिया को दान कर दीजिए। अब मंदिर में जाकर आपने दान कर दिया, ये उपाय हो गए कि हाँ आपको कोई चीज़ खरीदनी है, कोई चीज़ इधर से उधर करनी है। पर एक उपाय और आता है इसमें, जो उपाय आता है कपड़े का। अगर आपकी कुंडली में राहु चौथे भाव में है या फिर वर्षफल में भी चौथे भाव में आ गए हैं, दो में से कोई भी कंडीशन हो रही है, तब ऐसे केस में आपको रेड कलर की टी शर्ट पहन के रखनी है। रेड कलर की टी शर्ट पहन सकते हो, रेड कलर की अंडर टी शर्ट पहन सकते हो, इनरवेयर कुछ पहन सकते हो। इस तरह से ये यहाँ पर राहु चौथे भाव में है तो आपके जीवन में कहीं ना कहीं परेशानियाँ लेकर आएंगे, क्योंकि ये मानसिक रूप से परेशान करेंगे। उस समय में माता का स्वास्थ्य भी खराब रहेगा, जिसके कारण अपनी मानसिक स्थिति भी खराब रहेगी। चौथा भाव आपकी मानसिक शांति का है और यहाँ पर राहु चौथे भाव में चंद्र के फलों को खराब कर देते हैं, जिसके कारण पैसा, मानसिक शांति और जीवन से जुड़ी हुई बहुत सी सुखों की चीज़ें हमारे जीवन में कहीं ना कहीं खराब होने लगती हैं। माँ धनलक्ष्मी पोटली बुक कराने का समय आ गया है, तो जिन लोगों को भी माँ धनलक्ष्मी पोटली बुक करानी है, वो समय रहते ही अपना सारा डिटेल्स वगैरह मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है। और आप लोगों को बता दें, इस माँ धनलक्ष्मी पोटली में कमलगट्टा, इलायची, लौंग और लघु नारियल, इस तरह से कुछ ऐसी सामग्रियां इंक्लूड की गई हैं। चांदी का सिक्का भी इंक्लूड किया गया है, जो आपकी सभी धन की समस्याओं को दूर करेगा। और ये सभी सामग्री अभिमंत्रित होकर आपके घर तक पहुंचेगी। और ये माँ धनलक्ष्मी पोटली को आपने अपने घर के जहां पर रुपया पैसा रखते हो वहां पर स्थापित करनी है। ये धनलक्ष्मी पोटली आते ही आपके घर में जो सुख शांति, जो धन की वृद्धि है, उसमें वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। तो बुकिंग करवाने के लिए समय से पहले बुकिंग करवा लीजिए, ताकि आपके घर तक ये पूजा कर भेजी भी जा सके। तो इसके अलावा देखिए, मानसिक स्थिति को हमेशा मजबूत करके रखना है, क्योंकि मानसिक अगर आप कमज़ोर हैं तो जीवन में बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां पर आपको परेशानियां हासिल करनी पड़ेंगी। आप खुश नहीं रहोगे, कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाओगे, जीवन में असफलताएँ आपके दिल और दिमाग पर बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेंगी, प्रभाव बुरा होगा उनका। और इन सब को सही करने के लिए हमेशा आपको अपने दिल, दिमाग, मन, मस्तिष्क पर सबसे पहले काम करना है, क्योंकि यही एक गाड़ी के आपकी शरीर अगर गाड़ी है तो इसको चलाने वाला आपका दिल और दिमाग है। अगर यही डिस्टर्ब रहा तो आप हमेशा एक काम चोर की प्रवृत्ति बन जाएगी, अंदर कामों को टालने की प्रवृत्ति बन जाएगी। कोई काम ना करना, कोई काम करना तो बिना इच्छा, बिना किसी मर्जी के करना, इस तरह की चीज़ें होंगी। अब माँ का स्वास्थ्य खराब हो गया तो 400 ग्राम साबुत खड़ा मसाले वाला धनिया मंदिर में दे आइए, और लाल रंग की टी शर्ट या लाल रंग का रुमाल कुछ ऊपर वाली पॉकेट में भी आप रख सकते हैं, नहीं तो अंदर की टी शर्ट आप इनरवेयर पहन सकते हैं। मानसिक स्थिति और चंद्रमा को मजबूत करने के लिए बृहस्पति का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चंद्र के साथ अगर बृहस्पति मिल जाए तो बहुत अच्छे एक योग बन जाते हैं, जिसके कारण वो घर जो चंद्रमा का खराब हो गया था, चौथा घर, उसमें राहु आने के कारण उसको सही करने के लिए बृहस्पति और चंद्र का मेल करना होता है। ये एक जनरल उपाय है, ये धनिया के उपाय के साथ साथ किया जा सकता है, यानी कि इसको हम परमानेंट कर सकते हैं। वो है ये गोल्डन मोती का उपाय। अब ये देखिए, गोल्डन मोती ही क्यों यहाँ पर लिया गया, सबसे पहले ये समझिए। गोल्डन मोती, जो गोल्डन कलर होता है, ये होता है बृहस्पति का। मोती रत्न चंद्र का हुआ और यहाँ पर बृहस्पति का कलर हुआ, तो चंद्र और बृहस्पति जब दोनों आपस में मिल गए और आपने इस तरह से मोती को धारण करके रखा, तो समझिए आपके जीवन के जितने बुरे प्रभाव राहु या बृहस्पति के खराब होने के कारण आपके जीवन में मिल रहे थे, वो सब के सब सही होंगे। अब मोती को पहनने के लिए करना क्या है, आपको मोती लेना है और इसको आपने अनामिका उंगली में इस तरह से पहनना है। ये अनामिका उंगली हो गई, सीधे या बाएँ हाथ की किसी भी उंगली में आप पहन सकते हैं।
अगर मान लीजिए लॉकेट पहनना चाहते हैं तो लॉकेट पहन लीजिए, इस तरह से मोती को धारण करिए। देखिए आपके जीवन में किस तरह से ये बृहस्पति चंद्र के मेल के कारण जो चौथा घर खराब हो रहा था, क्योंकि बिना मानसिक शक्ति के इंसान कुछ नहीं कर पाता, मानसिक रूप से ही जब आपको सरेंडर होना पड़े परेशानियों के आगे, तो समझिए आपके जीवन की सबसे बड़ी हार है। और ये बृहस्पति चंद्र जब आपस में मिलेंगे तो आपको हारने नहीं देंगे कभी। तो इस तरह से आप सभी उपायों को जोड़कर ये चंद्र के उपाय को साथ लेकर चलिए, देखिए कैसे आपके जीवन में अच्छे असर आना शुरू हो जाएंगे। बाकी और ऐसी बेहतरीन जानकारियां हैं जो आपके साथ में आने वाली वीडियोस में शेयर करता रहूंगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।